नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिप कास्ती। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, जो कि मालवा संभाग के अंतर्गत आता है। मालवा जो कृषि आधारित क्षेत्र है, वहां पे किसानी एक बड़ा मुद्दा है, किसानी एक मेन प्रोफेशन है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक यूनिक फार्मिंग होती है, जो कि पॉपी या जिसे हम अफीम कहते हैं, अफीम की खेती होती है। मध्य प्रदेश के 3-4 जिले, रतलाम, नीमच, मंदसौर, इन सब जिलों में अफीम की खेती होती है। वहीं हम अगर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, उसके अलावा यूपी के कुछ, बाराबंकी जिले के कुछ हिस्सों में अफीम की खेती होती है। हम जहां खड़े हैं, हमारे पीछे फैक्ट्री है, जो सरकारी फैक्ट्री है, जहां पे अफीम की प्रोसेसिंग होती है। बिकने के बाद यहां आती है और उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी या विदेशों में उसे निर्यात किया जाता है। अफीम का इस्तेमाल ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी करती है, दवा बनाने में, पेन किलर्स बनाने में, इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अफीम की खेती मध्य प्रदेश के, खास करके मालवा के इस क्षेत्र में चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। और इसकी सबसे मुख्य वजह है अफीम की खेती का प्राइवेटाइजेशन करना। सबसे पहले यहाँ जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, वो तो पूर्व से लाइसेंस तो निर्धारित मिले हुए हैं, लेकिन प्रतिवर्ष जो सरकार का जो नोटिफिकेशन आता है, उसके आधार पर लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। और लाइसेंस के लिए सूचना पहले मुखिया के माध्यम से दी जाती है और किसान आवेदन करता है, और आवेदन वही किसान कर सकता है जिसके पास पहले लाइसेंस है। कोई अन्य नया किसान लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और आवेदन करने के बाद में है किसान को जो है वो लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस जो भी गवर्नमेंट के पात्रता अनुसार, यदि इस साल जैसे 10 तारीख का है, पहले 20 तारीख का भी रहा, पहले एक बार बीच में 50 का भी रहा, 10 का भी रहा, 6 का भी रहा, 12 का भी रहा, तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष जो है जो भी गजट बनता है उसके अनुसार जो लाइसेंस मिलता है। अफीम की खेती दो प्रकार से खासकर इस क्षेत्र में होती है, पहला लेसिंग और दूसरा CPSS, जिसे हम कंसंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं लेसिंग क्या है। लेसिंग एक वो प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे का जो फल होता है, जिसे हम डोडा कहते हैं, उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है रात में या दोपहर के आसपास। उसके बाद सुबह उसमें से जो मॉर्फीन निकलता है उसको स्टोर किया, उसको जमा किया जाता है, और वही बाद में सरकार उसे खरीदती है। तो एक तरीका ये है, उसमें से मॉर्फीन निकालने के बाद जो वो पोस्ता बचता है, सरकार उसको अफीम को, उस वो अफीम के किसानों को दे देती है, और अफीम के किसान बेच करके उससे अपनी कमाई करते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट उससे मिलता है, वो है पूरा का पूरा प्लांट बचता है, जिसे डोडा चूड़ा कहते हैं। अब ये इसे जलाने का प्रावधान किया, जैसा मैंने पूर्व में बताया। इसके अलावा दूसरी टेक्निक जो है CPSS, ये पिछले 4-5 साल पहले सरकार ने नई अफीम पॉलिसी के तहत लाया है। ये जो इसके तहत खेती होती है, इसमें किसानों को 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है, चाहे वो 10 आरी का हो, चाहे वो 5 आरी का हो। और किसानों को खेती करनी होती है, उसको उगाना होता है प्लांट को, और जैसे ही प्लांट तैयार हो जाए, उसे लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे से उसे काट कर पूरा का पूरा प्लांट उसे सरकार को दे दिया जाता है। अब इसमें चैलेंजेस किसानों के लिए ये हैं कि अगर फसल खराब हो गई, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हो, चाहे वो जानवरों के खाने से हो, चाहे वो तोतों के खाने से हो, या चोरी होने की वजह से हो, तो कई बार या तो उसके पट्टे रद्द कर दिए जाते हैं, या तो फिर उस पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क किसानों के लिए किए है। उसके अलावा जो किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला है, वो है MSP का। उनका कहना है कि पिछले 2 दशक से सरकार ने MSP नहीं बढ़ाई है। अब जो CPS को लागू किया गया 5 साल पहले, तो अब पूरा सरकार, डोडा पूरा सरकार ले जाती, तो उस डोडे की कीमत उसको नहीं मिली। फिर जो पूरा डोडा सरकार ले जाती, उसके पहले उसमें पोस्ता दाना निकालने की इजाजत किसान को है। लेकिन किसान का ये कहना है कि जो लुइनी चिरनी पद्धति से जो अफीम हम निकालते थे और डोडा आता था, उसमें से जितना पोस्ता दाना निकलता था, CPS पद्धति में वो पोस्ता दाने की मात्रा आधी रह गई। तो ये जो रीजन है मालवा मेवाड़ का, ये जब 5 साल से सरकार ने लुइनी चिरनी को रिप्लेस करके और CPS जो पद्धति लागू की, उसका भारी विरोध कर रहे हैं किसान। किसान का कहना है कि हम इस पद्धति से खेती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डोडा चूरा का मूल्य भी नहीं मिल रहा, ना ही हमें पोस्ता दाना पूरा मिल रहा है। तो हम जिस लुइनी चिरनी पद्धति से खेती करते थे, उसी पद्धति के तहत हमें पट्टे दिए जाए। अफीम खेती को, परंपरागत अफीम खेती से किसानों से छीन करके
मार्फिन की आड़ में सीपीएस के बहाने निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, उस कंपनी का तार तो इन्होंने छुटा दिया, निजी कंपनी जियो है, उस तार को काटा, टाइट कर दिया, तार छुटा दिया बीएसएनएल का तो टावर नहीं आएगा, निजी कंपनी का तार टाइट कर दिया तो टावर आएगा। अब बोल रहे हैं कि बीएसएनएल खराब है, जियो बढ़िया है, फ्री जियो 750 का रिचार्ज हो रहा है, पहले फ्री बताया, आज 750 का रिचार्ज हो रहा है, वैसा का वैसा अपनी खेती में हो रहा है। जो एनडीपीएस एक्ट है, जो अफीम की स्मगलिंग और उसके बाय प्रोडक्ट की स्मगलिंग को लेके बनाया गया, उसमें एक धारा है 8/29, ये धारा इस बात के लिए लगाई जाती है कि जब एक आरोपी पकड़ा जाता है किसी केस में और उससे तफ्तीश में 5, 4, 10, 20 लोगों के नाम पता चलते हैं, तो पुलिस उनको कोएक्यूज बनाती है और 8/29 में उनको अरेस्ट करती है। अब यहाँ पे एजेंसियों ने इस धारा का मिसयूज शुरू कर दिया। तो ये क्षेत्र पूरा अफीम के किसानों से जुड़ा हुआ है, लगभग 30,000 से भी ज्यादा यहाँ पे अफीम के काश्तकार है, और यहाँ पर केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। यहाँ पे एक तो पोस्ते का और लहसुन का आयात करने के कारण लोगों को पोस्ते दाने का भाव नहीं मिल पाया, दूसरा ये कि जो अफीम का उचित भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अखबार में छिपता है कि 1 करोड़ रुपए की ये है अफीम बरामद हुई और उसकी कीमत सरकार जो है 10,000 रुपए भी नहीं दे पाती, ऐसी स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि जो पट्टे दिए जाते हैं किसानों को, वो पट्टे जो है ये बढ़ा नहीं रहे, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफीम पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्किंग पैदा हो ताकि विदेश से आयात ना करना पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से पट्टों की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो है पुरानी पद्धति जो थी लूने चीरने की, उससे हटा के दूसरे तरीके से जो पट्टे दे रहे हैं सीपीएस पद्धति के आधार पर, वो किसान नहीं चाहते। जब अफीम पैदा कर रहा है और अच्छी से अच्छी अफीम दे रहा है, उसमें अच्छी मार्किंग निकल रही है, सीपीएस पद्धति लाने के कारण किसानों को कहीं कहीं का सामना करना पड़ रहा है। मेन चीज तो ये कि डोड़ा चूरा में हमारे क्षेत्र जो है, यहाँ हजारों हजार पट्टे अफीम के हैं, अफीम के पट्टों में अफीम जो निकलती है उससे वो नारकोटिक्स विभाग खरीद लेती है, उसकी जो खसखस निकलती है, जो दाने बोलते खसखस, वो जो है हम लोग मंडी में बेच देते हैं। अब बचा हमारा कचरा जिसको हम रोडिंग फेंकते हैं, कई बार आम के वृक्ष के नीचे फेंकते थे जो कीड़ा नहीं लगे, कई बार खेतों में डालते थे, लेकिन उस डोड़ा चूरा पे सरकार की गलत नीतियों के कारण एनडीपीएस एक्ट लगा दिया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पिछले 15 सालों में बल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार युवा, जो कि जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है, उन लोगों को जेलों में बंद कर रखा, कोई मंदसौर की जेल, कोई हम चले जाए गरोट की जेल, कनावटी की जेल, प्रतापगढ़ की जेल, हमारे क्षेत्र के युवाओं से, संसदीय क्षेत्र के युवाओं से भरी पड़ी है। ऐसे में मैं ये चाहता हूँ कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 ये तुरंत हटाई जाए, जो लोग जेलों में बंद है उन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए और उनके केस बरी किए जाए। विशेषकर नीमच और मंदसौर जिले में अफीम की खेती होती है, उस खेती के मामले में ये जो है पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स प्रशासन अफीम का जो डोड़ा चूरा होता है उस डोड़े चूड़े के फर्जी केस बनाते हैं, और इसी वजह से इस क्षेत्र की जनता इन पुलिस प्रशासन से और इस भारतीय जनता पार्टी के वजह से बड़ी तबाही मच रही है। जब इस तरह की मामले बढ़ने लगे तब 2017 से 2019 के बीच मंदसौर के एसपी रहे मनोज सिंह ने सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया और सुझाव भी दिया कि कैसे इस डोडे चूड़े में अफीम की मात्रा 2% से भी कम होती है और इसे एनडीपीएस के बजाय आबकारी के कानूनों में रखा जाए और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाए। तो केंद्र की जो ये पॉलिसी है उसको लेके मालवा मेवाड़ रीजन में खासी नाराजगी, किसान बिल्कुल नाराज है और वो ये चाहते हैं कि जो परंपरागत तरीके से अफीम की खेती होती थी, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, 1 लाख अफीम परिवार पलते थे, उसी तरीके से वो खेती होनी चाहिए, उसमें मजदूरों को काम भी मिल रहा था, डोडे चूरे का दाम भी मिल रहा था,
तो उससे दाना भी अच्छी मात्रा में पैदा हो रहा था। इसी के चलते कमलनाथ जो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अभी अपना जो वचन पत्र जारी किया, उस वचन पत्र के अंदर इस बिंदु को शामिल किया और ये कहा है कि डोडे चूरे को एनडीपीएस से बाहर निकालने के लिए वो अगर सरकार में आए तो उसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। कानून जो है देश के, वो अफीम को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ संजीवनी का काम अफीम करती है, दूसरी ओर कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होने के कारण युवाओं का जीवन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उसके जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसके कारण पूरा जीवन उसका तबाह हो जाता है और नशे की आदत में वो पूरा परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। तो सरकार और सरकार का तंत्र और हमारे जो कानून है एनडीपीएस एक्ट के, उनके अंतर्गत यदि किसी भी चीज का मिसयूज होता है तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, उसको रोकना हमारा सबकी सामूहिक जवाबदारी होती है। उसके अंतर्गत, उस नियम के अंतर्गत यदि अफीम का उपयोग कहीं गलत तरीके से गलत लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसको रोकने का काम निश्चित रूप से पुलिस विभाग और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयां होती है।